बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्गेनन का एफोरिज्म नंबर 1 स्टडी करते हैं। एफोरिज्म नंबर 1 में डॉक्टर हनीमन साहब क्या फरमाते हैं? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. मुआलिज का आला और वहद मकसद बीमार की सेहत को बहाल करना यानी उसे अच्छा करना जैसा वो पहले था। मुआलिज का वहद और आला मकसद बीमार की सेहत को बहाल करना यानी उसे अच्छा करना जैसा वो पहले था। द फिजिशियन यहाँ पे जो है ये मुआलिज के तौर पर लिया गया है, मुआलिज इसका मतलब है, और हाई का मतलब बुलंद ऊंचा आला, ओनली मिशन का मतलब है वहद मकसद, सिर्फ एक ही काम एक ही मकसद होना चाहिए, रीस्टोर वापस करना वापस लाना टू सिक बीमारी से टू हेल्थ सेहत को, टू क्योर बहाल करना सेहतमंद करना तंदुरुस्त करना एज इट इज टर्म्ड जैसा कि कहा गया है, उस तरह बहाल करना, ये उसका दिल व जान से वो अपने आप को मरीज़ के लिए वक्फ कर दे और उससे इतनी मोहब्बत प्यार करे कि उसको उस तरह सेहत याब करने की कोशिश करे जिस तरह वो पहले सेहत याब था। बीमारी से उसको वापस लाना है, इस तरह वापस लाना है जिस तरह वो पहले था। ये पहला जो एफोरिज्म है इसमें डॉक्टर हनीमन साहब ने ये इस बात की वजाहत की है, इसका जो है उन्होंने बताया है, ये उसका पहला कानून है, पहला एफोरिज्म है इसको कहते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह अगला एफोरिज्म पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।